पहली चीज़ तो ये है कि जो आंकड़े हैं वो आपने बिल्कुल सही कहा कि आंकड़े दिखाते हैं कि अगर सेंसस सही से होता 2021 में होता, और हमने ये सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है कि अगर सेंसस होगा तो कम से कम 12 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनके पास राशन कार्ड आज नहीं है, उन्हें इंक्लूड किया जा सकता है। और ये बात बिल्कुल गौर करने लायक है कि पीडीएस के तहत जो राशन मिल रहा है एनएफएसए के तहत, वो केवल उन लोग को मिल रहा है जो राशन कार्ड जिनको दिया गया है, और पीएनजी के एवाई भी केवल उन्हीं को दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड है। तो मतलब जो 5 किलो राशन मिल रहा था प्रति व्यक्ति को एनएफएसए के तहत, वो भी उन्हें ही मिल रहा है जिनके पास राशन कार्ड है, और पीएमजी के वाई ने जो एक्स्ट्रा 5 किलो दिया है वो भी उन्हें ही मिल रहा है। और पीएमजी के वाई को हर बार वापस लाते हुए सरकार ये लिखित में कहती है कि हम पहचान रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम है हंगर की। तो मतलब अगर सरकार कितना डिस्ट्रेस है, तो अगर सरकार ये समझती है कि कितना डिस्ट्रेस है, और ये भी साफ है कि सेंसस नहीं हुआ है, इवन यूनिवर्सलाइजेशन की बात ना भी करें, एनएफएसए में जितना कवरेज होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा, तो कोई कारण नहीं है कि सरकार इमीडिएटली जो पॉपुलेशन एस्टिमेट्स हैं वो हमारे नहीं हैं, सरकार के ही पॉपुलेशन एस्टिमेट्स हैं, कम से कम उनका इस्तेमाल करके सरकार लोगों को राशन देना शुरू करे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। आपने कहा कि आवाज़ किससे उठाएं, मतलब ठीक है, आप मत सुनिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, आप नकार दीजिए सब चीज़ों को, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। इस बार भी जब कोर्ट में बात उठी तो जज ने कहा कि हम खुद जानते हैं कि लोग किस तरह से पानी पीकर अपने पेट पर कपड़ा बांधकर रात में सोते हैं, भूख की हालत किसी से छुपी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है, किसी और को जवाब मत दीजिए, आप सॉवरेन कंट्री हैं, आप अपने सुप्रीम कोर्ट में को तो जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, और इस तरीके की फिर एफिडेविट्स दिए जा रहे हैं कि देश में पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है। यूनिवर्सलाइजेशन की बात जो आपने कही, देखिए जैसे ही टारगेटिंग होती है, ये केवल फूड की ही बात नहीं है, ये हमने देखा है भ्रष्टाचार के कारण, डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण जो सबसे हाशिए पे लोग हैं वो ज़रूर छूट जाते हैं, और इसीलिए यूनिवर्सलाइजेशन की डिमांड रही है। आप अगर देखें, जब कोटा चल रहा है, राशन कार्ड बनने के लिए भी कोटा चल रहा है, जो होमलेस हैं जिनके आधार कार्ड या बायोमेट्रिक सही से नहीं चल रहे हैं वो सबसे पहले एक्सक्लूडेड हैं। तो ऐसा तमाम लोग हैं जिनको कि टोटली रिक्वायरमेंट है, मतलब कोई नहीं कह सकता कि इनको रिक्वायरमेंट नहीं है फूड सिक्योरिटी की, पर क्योंकि यूनिवर्सल सिस्टम ने, हम नहीं कह रहे कि यूनिवर्सल भी होगा तो बिल्कुल सब सही हो जाएगा, लेकिन इट विल बी अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट ओवर व्हाट द सिचुएशन इज टुडे। आई थिंक द क्वेश्चन अबाउट स्टेट फूड कमीशन इन दिल्ली, देर इज सपोज टू बी अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एवरी स्टेट इज सपोज टू हैव अ स्टेट फूड कमीशन, और सोशल ऑडिट का प्रोविजन है। दो सोशल ऑडिट तो पूरे देश में ही हो नहीं रहे हैं सही से, और ये सरकारें मान रही हैं, और फूड कमीशन दिल्ली में आज तक कोई फूड कमीशन नहीं बना है, इतने साल हो गए कानून को आए हुए, हमारे पास आरटीआई, हम बार बार लगाते हैं, सरकार जवाब दे रही है कि हमने कभी सोशल ऑडिट नहीं करा है अंडर एनएफएसए, और ना ही फूड कमीशन है आज तक गठित। और जो आपने कहा कि यूज़ नहीं हुए हैं, तो कुछ राज्य हैं जहाँ पर पूरा जो अभी एग्जिस्टिंग कोटा है वो यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मोस्टली राज्यों में, और जो बड़े राज्य भी हैं स्पेशली, वहाँ पर इतना बुरा हाल है कि कोटा यूज़ हो चुका है, और उसके बियॉन्ड इतने लोगों ने अप्लाई कर रखा है, मैंने केवल दिल्ली का आंकड़ा दिया था, और अभी उनके पास राशन कार्ड देने का कोई सिस्टम नहीं। कि ठीक है, आपके पास मान लो 5 करोड़ राशन कार्ड है, 4 करोड़ जिनको मिल रहा है राशन, अब उनमें से 20% आपके इतने झंझट है, ये लगाओ, अंगूठा करो, ये करो, वो करो, जो कोई चले गया है, माइग्रेट कर रहा है, उनको नहीं दो क्योंकि आप ये चोरियां, कोट अनकोट चोरियां रोकना चाह रहे हो, तो वो नहीं आए। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हम बफर रखना चाहते हैं, हमारी जो संख्या है उसमें बफर रखना चाहते हैं, ताकि जो नहीं आके लें उनका हम खुला भी रखें, दे दें बाद में, लेकिन हम दूसरों को दें जो खड़े हैं लाइन में, क्योंकि 2-2 महीने 3-3 महीने कोई माइग्रेट करता है, नहीं लेते हैं क्या, वो नहीं करने दिया। तो आप सोच रहे हो कि क्या खिलवाड़ हो रहा है, तो फिर नेचुरली वो वापस हम चिल्लाते रहे
एज सिविल सोसाइटी कि आप ये वापस जाने दे रहे हो, आप ले ही नहीं रहे हो ये कोटा, अब कैसे लोगे? 100% कवरेज कभी नहीं होगा डिलीवरी में। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें ऐसे रोक रखी है केंद्रीय सरकार ने जो समझ से बाहर है। और अब फूड स्टॉक्स इतना नहीं है, बहुत सारे कार्ड्स कैंसिल भी हो रहे हैं एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ देम बिकॉज ऑफ आधार सीडिंग एंड डिजिटलाइजेशन। अभी हम लोग यूपी में भी एक सर्वे ऑन गोइंग है, देर आर टू टाइप्स ऑफ कैंसिलेशंस। नंबर वन, परिवार में कुछ लोगों का नाम हट जाता है क्योंकि उनका आधार सीड नहीं हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक हमें बताया गया कि उससे भी आधार का स्पेलिंग और राशन कार्ड का स्पेलिंग अलग है तो वो सीडिंग नहीं हुआ, बच्चे पैदा हुए हैं उनका आधार नहीं बना है या राशन कार्ड बटने के बाद बच्चे हुए तो उनका नाम नहीं जुड़ा गया। जस्ट दोज फैमिलीज विच द गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग एज एलिजिबल दैट आर गेटिंग राशन कार्ड्स हैव मेंबर्स हु आर नॉट ऑन द लिस्ट, विच मीन्स 5 kilos पर हेड प्लस 5 इज वॉट दे आर नॉट गेटिंग। ऑन द अदर हैंड देर इज द नंबर्स ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशंस, सो इफ यू आर सेइंग यूज नहीं हो रहा है, हम उसको भी देखें कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। और जब भी खोला गया, जैसे दिल्ली में जब ई कूपन सिस्टम खोला गया, 70 lakh लोग आए थे, दे पुट द नेम सेइंग वी नीड राशन, देन द दिल्ली गवर्नमेंट सेड अरे हमें क्लियरली दे डिडंट एक्सपेक्ट इट, दे सेड हम 20 lakh तक देंगे। लंबे लंबे लाइंस हम लोगों ने देखा है। सो दिस यूज नहीं हुआ है अगेन दिस डेटा मैनिपुलेशन टू ट्राई एंड से देर इज नो नीड, वी वेरी क्लियरली सी अ नीड। ऑन द फूड स्टॉक्स आई वॉन्ट टू एड दैट वाइल वी हैड दिस सिचुएशन ऑफ एक्सेस फूड स्टॉक्स ऑफ गोइंग टू द मून थ्रू कोविड, वी हैड 100 million टन्स, through absolute mismanagement we are now in a situation where you can see media mein ye baat phailne lag gayi hai ki ab anaj khatam ho jayegi, anaj khatam ho jayegi, pds hum nahi kar sakte. I think this also we have to understand, yes the stocks are going down but the wheat procurement this year was less than half of last year, sarkar ke hi aankdon mein production utna nahi gira, 10-12% production gira hai lekin jo khareedi hoti hai wo 50% se zyada gira hai, एक्सपोर्ट्स डबल हुए बैन के बावजूद, क्योंकि बैन लगाया जब पूरे एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट बन गए, सब डिसाइड हो गया, उसके बाद बोले कि अरे हमारे पास तो नहीं है अनाज, नहीं हो सकता है। अभी धान के खरीदी में भी हो सकता है यही हो, आई फील वी हैव टू बी विजिलेंट ऑन दिस बिकॉज द पैडी क्रॉप इज ऑल्सो अफेक्टेड, बट अगेन प्रोक्योरमेंट डज नॉट हैव टू फॉल सो मच, सही दाम देना पड़ेगा। MSP, currently the MSP that they've announced is lower than the market price currently. So they have to look at these kind of issues. It's not that it is impossible. Both from the fiscal point of view, कि ये पैसे नहीं है वाला argument भी गलत है, और ये अनाज नहीं है जो argument अभी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है वो भी गलत है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास है। कुछ अगर नहीं है तो sensitivity नहीं है, कि लोग भूखे मरे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं पड़ता है, that seems to be Income tax brackets, you can use self-exclusion which is being done in other schemes. So universalization doesn't mean it will be 100% of janta, it means that the primary framework will be anybody and out of that you will exclude based on certain, so you have criteria not for inclusion, you have criteria for exclusion. The right to food campaign has always made that very clear, so it's not key, you know, don't waste, nobody is asking for wastage. The other thing on the schemes and programs for children, that is midday meal, ICDS and so on and so forth, I would also like to include very important points made on health and education. See, I was trying to make it clear that this indicator represents overall development. You have to look at the macroeconomic situation of this country, which other people are now raising. And you have to look at agricultural policy, you have to look at labor policy, you have to look at per capita income has gone up. Who has made this per capita income go up and at whose cost? Without looking at all this, I think we cannot answer the questions of what role the schemes and programs are going to play, because in health and education we are seeing, correctly it was identified ki illness bhi hoti hai, kuposhan mein keval khane ka mudda nahi hai, usme bimari ka bhi mudda hota hai, but what are the investments in health? It's never gone up beyond 1.2-1.3% of the GDP. The demand has, the promise has always been 2.5% of the GDP. So if you're saying it's not food, it's health, then okay, let's talk about health, there'll be denial there also. So but and if you say it's not
any of these, it is information and education. Let's talk about information and education. There's denial there also. What is the disinvestment in education? What is the disinvestment in health? When the overall paradigm is, ki let everything be privatized and let private players deal with the whole country ka situation, and therefore you have to squeeze out all social security schemes and programs, which includes PDS, which includes all these other schemes and things which we are seeing. The method is this, that you don't have data, you create all kinds of difficulties, and then you say that you're going to squeeze these out and you're going to hand over that capital and that money and that those resources to the private sector and say private sector will deal with people. That is the overall paradigm in which this has to be analyzed, this whole situation has to be analyzed. So midday meal program, it's not that the scheme is doing badly. ICDS also, they're doing a fair job. In the pandemic also, they did a decent job of trying to at least distribute food. But you have to see, kaun se bachche school mein aate hain, kaun se bachche school se vanchit hain. Pandemic ke baad, child labor bada hai, aur bachche school se vanchit hue hain, kyunki unke parivaron ko kaam nahi hai, unko kaam karna pad raha hai. मिड डे मील में और ICDS में जो मैंने पहले कहा था कि खाने की गुणवत्ता के इश्यूज़ हैं, जिसके बारे में हम निरंतर बोले जा रहे हैं कि भाई अंडे की बात चली रही है मिड डे मील में, उसको अडॉप्ट नहीं किया है ना, उसमें फल सब्जी डालने की, अगर आप मतलब जो लोगों को दूध चाहिए, अब जो भी आपको प्रावधान करना है कि केवल दलिया खिचड़ी से किसी बच्चे का कुछ नहीं होता है. तो मिड डे मील में भी और ICDS में भी बहुत कुछ और करने की बात है, लेकिन आई थिंक द लार्जर इशू इज़ कि जो लो हैंगिंग फ्रूट था इन कुपोषण में, जो था हंगर में, स्टार्वेशन में और मैलन्यूट्रिशन में, उसके कुछ पॉकेट्स भी हैं और उसका उसमें कुछ सुधार भी आया है. अब जो मोटी चीज़ें हैं वो ये चीज़ें हैं कि हमारे मतलब हमारे 60-70% लोग जो हैं वो गरीबी की किस अवस्था में, वो क्या खरीद सकते हैं, क्या नहीं खरीद सकते हैं, उनको हर चीज़ के लिए जो पैसे की ज़रूरत आ रही है वो कहाँ से आएगी, उनका रोज़गार क्या है और उनका आधिपत्य क्या है. बाकी सवाल उठाने की बात है, लोकतंत्र में सवाल उठाना हमारा अधिकार है सबका, और उसको अगर बुरा बताया जाए और उसको कई कई नामों से पुकारा जाए तो वो भी एक मेरे ख्याल से एक मुश्किल आती है जिसको सोचना पड़ेगा. अगर आपको लग रहा है कि सवाल हम किससे उठाएं, तो सवाल तो हम सरकार से उठाएंगे, हमारी सरकार है, हम इन्हें नियुक्त किया है, तो हम सरकार से ही बोलेंगे, वो हमारा अधिकार है, और सरकार को इस बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए, ना ही इसको इस पर आक्षेप उठाना चाहिए.